इशिता, तुम ना बड़ी वैसी वाली सुंदर हो। मतलब जैसे मैं थिएटर में बैठा हूँ, पिक्चर देख रहा हूँ और अचानक हीरोइन की जगह तुम आ जाओ ना, तो ऐसे अजीब सा नहीं लगेगा। राम जी ने सीता जी से विवाह किया और रावण ने अपहरण किया और हनुमान जी ने उन्हें बचाया, तो बताओ वास्तव में हीरो कौन हुआ? अरे भाई संजय दत्त। भाई वास्तव में हीरो संजय दत्त था। तुमने कभी एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला ना? नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए, थिंग्स हो जाएगा। कब से मैं खड़ा हूँ शिता यार, मैं ना चाहता हूँ कि हम बेस्ट कपल बने, पता है? इस चीज में मुझे थोड़ा फोर्ट नहीं आना है। अरे रज्जो, पर हम हैं नंबर 1 के, हमारे जैसे होते है ही नहीं। ऐसा लग रहा है 1978 के बाद अब मिल रहे हैं। यही चेपड़ सा खाई गिरा। हाँ तू तो बड़ी कैटरीना है ना, लंदन रिटर्न एकदम लाइट। तुम तो बोला हमेशा क्यों लड़ते रहते हो? था कहाँ जाए घंटा? ऐसा नहीं होगा मम्मी, सॉरी ना। अच्छा तुमने कहा था तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो गेस करो मैं कहूँ। रजत, मैं नहीं आ सकती। यार वो मेरे सामने अनुषा को चिपक के मिलता है यार, हक करता है उसको। ना मिल पा रहे हैं, ना बात हो रही है, बहुत याद आती है यार उसकी। यार 2 हफ्ते से हमारी बात नहीं हो पा रही थी, मैंने घर वालों से छुपा के अपने लिए फोन रख लिया। तुम 1 हफ्ते से ट्यूशन नहीं आ रही थी, मैं तुम्हारे घर आ गया पर तुम 1 मिनट नहीं आई ना मिलने। क्या प्रॉब्लम है फिर ब्रेकअप करने? क्या तू तो चाहती है ये ब्रेकअप हो जाए, पीछा छूटे तेरा? आई नो तुम्हें किस बात का बुरा लगा है, बट रजत यू द ओनली वन जिसे मैं अपनी मम्मी वाले टिकी स्पॉट पे लेके गई हूँ, बिकॉज आई एम कम्फर्टेबल विद यू। ऐसा अच्छा लग रहा है ना ये जो लम्हा है मेरा तेरे संग। सर आपको और मेरा ना कार्बन का बॉन्ड है एकदम। कुछ गांठें बांध लो। रज्जो, कुछ लड़ाइयाँ ना कर लेनी चाहिए, अच्छा होता है। ये जो लम्हा है मेरा तेरे संग।